का कहना है कि उन्होंने ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला है, जो कि उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला है उसमें लिखा है कि इनकरेज और असिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटीज़। उन्होंने ये कहा है कि विल इंश्योर माइनॉरिटीज़ रिसीव देयर फेयर शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, ये बोला है। तो इसको आप कैसे पढ़ते हैं, मतलब इनके मैनिफेस्टो को? मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैंने 1990 से आपको हिसाब दिया है भाई जी। 1990 का हिसाब देखोगे उसके बाद आप क्या कहोगे मुझे? अब मुझे उसमें एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी। आपको 1990 से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 2009 के बयान तक और सारी चीजों को एक टेबल पर लेकर के देखोगे तो आप बिल्कुल इसमें से क्या निकालोगे भाई? मैं नहीं निकाल रहा हूं जी, हर एक को यही निकालना पड़ेगा भाई। हाँ, मतलब कि एक एक करके यहां जाएंगे वो। और ये जो भागीदारी की बात करते हैं इंस्टीट्यूशंस में कि जजेस ओबीसी नहीं है, मीडिया में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन कम है, इसको आप कैसे देखते हैं? अब मुझे बताइए, जो 2014 में हम आए, हमने ऐसी कोई नीति बनाई है क्या जो जिसके कारण किसी को रुकावट हो जाए? तो ये उनके पाप है, उनके पापों को देश भुगत रहा है। अगर उन्होंने सच्चे अर्थ में सेकुलरिज्म किया होता, सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय किया होता, वोट बैंक की राजनीति न की होती, तो ये उनको आज इस प्रकार से झूठे कागजों को लेकर के घूमना नहीं पड़ता जी। मुझे विश्वास है कि 10 साल से मैं जो कर रहा हूं, स्थिति ऐसी आएगी कि जितनी बातें हैं उनका जवाब हम ही देंगे, कर कर के देंगे, हर एक को योग्य न्याय देंगे। आज हमारे पहले देश के राष्ट्रपति आदिवासी कैसे बने हुए, हमारी सोच के कारण बने। हमें 3 बार राष्ट्रपति बनाने का मौका आया, एक बार अटल जी के समय, 2 बार मेरे समय। पहली बार हमने किसको बनाया? माइनॉरिटी को बनाया जी, बिल्कुल अब्दुल कलाम जी को बनाया। मुझे मौका मिला पहला तो किसको बनाया? दलित को बनाया। दूसरा मौका मिला तो किसको बनाया? आदिवासी महिला को बनाया। तो ये हमारे आचरण से पता चलता है कि हमारी सोच क्या है जी। मोदी जी, आपने एक बात और कही है और इसको मैं एक लंबे सवाल से भी जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा है कि अगर इनका गठबंधन जो है सरकार बनाएगा तो ये पीएम बाय रोटेशन होगा, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको पीएम बनाएंगे, तो एक एक साल के लिए सब लोग पीएम बनेंगे। सवाल मेरा थोड़ा बड़ा है, सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस स्टेज में इंडिया का जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें कोएलिशन गवर्नमेंट काम करेगी या एक स्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगी? दो अलग अलग सवाल है जी। देखिए, आप कांग्रेस का कैरेक्टर देखिए, उनके यहाँ राजस्थान में पार्टी के अंदर आंतरिक संघर्ष था, दोनों फॉर्मूला बनाई, ढाई ढाई साल मुख्यमंत्री की, ढाई साल एक मुख्यमंत्री रहेंगे, ढाई साल दूसरे मुख्यमंत्री। राजस्थान में फॉर्मूला बनाई थी, नॉन फॉर्मूला है। छत्तीसगढ़ में ऐसा उनकी पार्टी के भीतर झगड़ा हुआ तो वहाँ भी उन्होंने फॉर्मूला बनाई कि ढाई साल एक, ढाई साल दूसरा, और उन्होंने मामला संभाल करके गाड़ी चलाई। और ये भी सच्चाई है कि ढाई साल के बाद वो मुकर गए जी, यानी खुद की पार्टी के साथ धोखा किया, खुद की पार्टी के अंदर उन्हें धोखा करने की उनकी प्रवृत्ति वो तो एक। इसका मतलब ऐसी फॉर्मूला कांग्रेस के दिमाग में होना ये प्रूवन है उसमें। और मैंने अभी कहीं मीडिया में पढ़ा, उनकी कोई छोटी सी मीटिंग हुई थी, मीडिया में पढ़ा मैंने, और उसमें ये कहा कि भाई अब आज के स्थिति जब मोदी बार बार पूछ रहा है भाई इतना बड़ा देश किसको सुपुर्द करे, आपका नाम तो होना चाहिए ना, इतना बड़ा आप किसी का भी नाम दीजिए जी, कोई तो नाम देना पड़ेगा ना। अरे क्रिकेट की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है, कबड्डी की टीम होती है वो भी कैप्टन बताती है भाई, आप बता नहीं रहे हो कि इतना बड़ा देश दे किसको। और तब जाकर फिर उन्होंने कोई ऐसे फॉर्मूला बनाई है कि भाई 1 year 1 PM फॉर्मूला। अब 1 PM 1 साल रहेगा तो आएगा पूरी नई सरकार बनाएगा, कैबिनेट बनाएगा, तो फिर शपथ समारोह चलते रहेंगे 5 साल और क्या होगा जी। और देश संकट समारोह में उलझता रहेगा, वो शपथ समारोह में उलझते रहेंगे। अब कोई देश ऐसे चल सकता है? इतना बड़ा देश जी,